मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बोला। फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ इन दिनों वो कहावत बिल्कुल सच नजर आ रही है, आसमान से लटके और खजूर में अटके। जी हाँ, मुनव्वर फारूकी एक के बाद एक अपने लिए मुसीबतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुनव्वर फारूकी ने कोंकणी समाज पर जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद उन्हें इतनी सारी धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद मुनव्वर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। लेकिन अब एक लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी ने उन्हें फिर से घेर लिया है। मुनव्वर फारूकी ने एक स्टैंड कॉमेडी शो के दौरान कोंकणी समाज पर किए अपने जोक को लेकर माफी मांगी ही थी कि लेकिन अब मुनव्वर ने एक और भद्दे मजाक की वजह से कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर दिया है। अपने शो के दौरान लोगों को हंसाने के चक्कर में मुनव्वर कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि बाद में बवाल हो जाता है और उन्हें माफी तक मांगनी पड़ जाती है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुनव्वर फारूकी ने स्टैंड अप शो के दौरान अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करते हुए कुछ भद्दा कमेंट कर दिया। उस वक्त को मुनव्वर के मजाक पर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए, लेकिन जल्दी मुनव्वर को समझ आ गया कि उनसे बड़ी गलती हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज पर कमेंट करने के चलते सोशल मीडिया पर मुनव्वर को बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा। मुनव्वर को विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर निशाना साधा। हालांकि मुनव्वर के बहुत सारे फैंस उनके सपोर्ट में आ गए, लेकिन कोंकणी समाज की तरह ही उन्हें इस मामले में भी माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि उन्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज पर कमेंट किया था और इसी के चलते एक समुदाय के लोग उनसे ये धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके इस कमेंट पर बहुत बड़ा बवाल होगा। लेकिन अब इसी को लेकर मुनव्वर ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में मुनव्वर ने लिखा है कि जब अपने ही आपस में लड़ने लग जाएं तो चुप रहना ही बेहतर है। जाहिर है मुनव्वर फारूकी ख्वाजा गरीब नवाज पर किए अपने कमेंट और इसके बाद उन्हें मिलने वाली हेट की बात कर रहे हैं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।